This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji kya haal aap sabka theek hai? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24ve batch ke jo ke ek exclusive batch hai, iske lecture number 6 mein खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रीवियस 5 लेक्चर्स तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी. अगर फिर भी किसी चीज की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप लोग पूछ सकते हो. आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे. पिछले जितने भी बैजेस रहे हैं, लाइक 23 बैजेस मैंने जो दिए हैं पिछले 5.5-6 सालों में, उसमें वाहिद ये बैच है जिसमें मैं 6 लेक्चर में क्लिक बैंक की बजाय पहले ई कॉमर्स स्टोर का बता रहा हूँ. उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो इस बार स्पॉन्सरशिप मिली है वो यही है कि 15 लोगों के जो स्टोर है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो रैंक करवाएंगे और उनको फुल फीस रिफंड होगी जब वो रैंकिंग कंप्लीट कर लेंगे. यानी कि 150 प्रोडक्ट दी जाएंगी, एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट्स को वो लिस्ट कर लेंगे तो स्टोर जो है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनका नाम है GSM प्लेयर, ठीक है, और उनको स्टोर उनके हो जाएंगे और आप जो है आपको फीस फुल रिफंड हो जाएगी, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी इस तरह से हो जाएगी जिसे इंटर्नशिप बोला जाता है. एक तरह से इंटर्नशिप भी इसी कोर्स के दौरान ही आप लोगों की प्रैक्टिस कह लें, इंटर्नशिप कह लें, वो आपकी हो जाएगी. उसके बाद आप इजीली कोई भी एडसेंस की साइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, क्लिक बैंक की साइट है, अमेजोन की साइट है, या आपकी अपनी कोई सर्विस है, आप उसको प्रमोट कर सकोगे. क्योंकि मेन चीज ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करो, क्योंकि खर्चे हैं ही इतने ज्यादा. इतने ज्यादा खर्चे हो जाते हैं कि आपके लिए अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए बजट, आप आउट ऑफ बजट हो जाते हो बाजुकात ना. तो ये जो सेशन चल रहा है ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है. आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो. बेसिकली आज के इस में आप लोगों के बारे में बताऊंगा कि ई कॉमर्स स्टोर को कैसे आपने लेके चलना है कि वो इजीली रैंक कर सके, और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा, सिखाऊंगा. ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है? बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर होता है कि जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, यूजर आता है, उसको ऐड टू कार्ट करता है, उसको बाय करता है. बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर जो है तब बनाया जाता है जब आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, तब ई कॉमर्स स्टोर बनता है. या आप कोई अपनी सर्विस देना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एसईओ की सर्विसेज देना चाह रहे हो, उसका भी आप स्टोर बना सकते हो. आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, उसका भी आप जो है स्टोर बना सकते हो. अच्छा, स्टोर बनाने के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मल्टीपल्स हैं, लाइक शॉपिफाई, ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस, प्लस वूकॉमर्स,
कस्टम सब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या सॉल्यूशंस कह सकते हो आप इनको, नेट पे अवेलेबल है। हमने जिसमें काम करना है, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो ये है वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा आकिब, जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था, मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम कंपेटिटर्स को फाइंड करते हैं तो वो पाकिस्तान के हिसाब से हमें कंपेटिटर्स शो करवाता है, जबकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो यूएसए के अंदर कर रहे हैं। ये देखो मैंने आप लोगों को कहा था google.com/ncr लिख के साइट खोलनी है, याद है? इससे गूगल यूएसए ओपन होता है, ना कि पाकिस्तान। अब आप जो रिसर्च करोगे, फॉर एग्जांपल, समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल हाउ टू रिमूव एक्ने स्कार, फॉर एग्जांपल, अब ये यूएसए के मुताबिक सारे रिजल्ट होंगे, आपको पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। की वजह यह है कि मैंने पहले ही google.com/ncr किया है। ncr का मतलब है कि google.com खुले जो यूएसए की है, ठीक है? google.com.pk ना खुले। मैं इंडिया में खोलूंगा तब भी गूगल यूएसए खुलेगा, मैं यूएई में खोलूंगा तब भी google.com यूएसए वाला खुलेगा। इस तरह हम क्या करते हैं कि हम जब रिसर्च करने लगते हैं तो हमने गूगल यूएसए को खोलना है। आपके सवाल का यही कंप्लीट जवाब है, कुछ समझ आ रही है? और दूसरी बात, आप ना अपनी रिसर्च दूसरों को दिखा रहे हो बार बार, अपनी रिसर्च दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं दिखानी, अपनी असाइनमेंट दूसरों को नहीं दिखानी, अपनी वेबसाइट दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं दिखानी। आप ग्रुप में पोस्ट कर देते हो, आप मेरे से पर्सनल इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे पूछो, आपको थोड़ा सा लेट शायद जवाब मिलेगा, मगर आपको पता है या मुझे पता है, ठीक है, या अल्लाह को पता होगा, और चौथा बंदा कोई नहीं है, मतलब चौथा कोई नहीं है, आप सबको दिखा रहे हो। इस तरह आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी कि दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहे हो, आप अपने सारे कीवर्ड वीडियो बना के सब शेयर कर रहे हो। इस तरह नहीं करो, मैं आप मतलब मना कर रहा हूँ। अपनी नीच, अपनी साइट, ये चीजें नहीं दिखाई जाती, हेल्प ली जाती है, मगर अपनी नीच छुपाई जाती है, अपने कीवर्ड रिसर्च छुपाई जाती है। आप दिखा रहे हो, सब इसी पे काम करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है? मेरा नुकसान नहीं है, आपका अपना नुकसान है। अच्छा, तो ये आपके सवाल का जवाब था, क्योंकि आप बार बार सवाल कर रहे थे, तो फिर मैंने उसको जो है चले। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे आपने सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का, फॉर एग्जांपल आपने जब पहले से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर आपने जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट है उनको आपने ऐड करना है और उनको ऑप्टिमाइज करके उसकी रैंकिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है प्रोडक्ट, फिर आप फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस से ले सकते हो, ठीक है? अपने लोकल, अपने आप लोकल जो मार्केट है वहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हो, पॉपुलर आइटम्स को आप जो है वो कह लो के ढूंढ के और उन पे स्टोर बना सकते हो। हमारे पास तो प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा जिन्होंने इस सेटअप में आगे साइड लेके चलनी है, जो ई कॉमर्स वाली साइट है, उनको मैं दे दूंगा प्रोडक्ट की लिस्ट 150 प्रोडक्ट्स की, ठीक है? उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट के एनालिसिस करने हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप अपने
वेबसाइट में अपने स्टोर में ई कॉमर्स स्टोर में ऐड कर दोगे एनालिसिस करने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास है जी कह लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मुल्तानी स्टोर। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास ये प्रोडक्ट है मैंने इसको सेल करना है ठीक है। मैं इसके वेरिएशन देखूंगा मैं ये सारे रिसर्च से करूंगा। मैं अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर रिसर्च फॉर एग्जांपल कर चुका हूँ ठीक है। मैं एग्जांपल दे लूँ ये मेरे पास वेरिएशन आ गया। मैं अब ये नहीं करूंगा कि मैं एक ही प्रोडक्ट अपने स्टोर में डाल के और उसके अंदर ये वेरिएशन ऐड कर दूंगा। हर बंदा अपने हिसाब से स्टोर लेके चलता है मगर मैं क्या करता हूँ मैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल चार आ गए हैं वेरिएशन उसके मेरी प्रोडक्ट के। मैं चार अलग-अलग उनको ऐड करूंगा और जो ये प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती हुई वेरिएशन में है। यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा अब मैं रिसर्च अपनी स्टार्ट करके मैं क्या फाइंड योर कंपेटिटर्स या मेक अ लिस्ट ऑफ कंपेटिटर्स। सबसे पहले अपनी अपने स्टोर के अंदर अपनी नीच के अंदर मैं कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाऊंगा ठीक है। अब मैं एक कंपेटिटर्स की लिस्ट बना रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेट बात है पाकिस्तान को देखते हुए मैं रिसर्च करूंगा ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये जो जिन्होंने लोकल एसईओ करवाई हुई है ये वो है ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास तीन मेरे मेन कंपेटिटर्स हैं। एक है जी हाफिज का मुल्तानी सोहन हलवा। मैं आप लोगों को बहुत तरीका बता रहा हूँ कि आपने अपने कंपेटिटर्स को अपने अपनी नीच के अंदर जब आप एक स्टोर बनाने जा रहे हो अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनानी है। ये नहीं करना कि आपको कोई आएगा कोई आपको लिस्ट देगा इस तरह नहीं हमने करना। हम एसईओ में सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स को ढूंढते हैं कि मेरी नीच के अंदर जिसके अंदर मैं काम करने जा रहा हूँ। मैंने आज तक कभी सोन रुपये का काम नहीं किया मैं आपको सही बताऊं। मैं बस हालांकि मैं मुल्तान से हूँ और मुल्तान का हलवा पूरी दुनिया में मशहूर है मगर मैंने जब काम ही नहीं किया तो मुझे नहीं मालूम। बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वेरिएशन निकाल के रख लिए ठीक है। अच्छा अब मैं अपने कंपेटिटर्स की ये जो लोकल एसईओ जिन्होंने करवाई हुई है जो जिन्होंने गूगल मैप पे अपने लिस्टिंग करवाई हुई है मैं उनको उधर से एक आइडिया ले रहा हूँ। अब मैं आइडिया लूंगा कि भाई कहाँ कि भाई मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। एक है हाफिज का दूसरा है अहमद मुल्तानी सोहन हलवा। अच्छा अब्दुल वदूद मुल्तानी सोहन हलवा 301 बस कोडिंग लगाई हुई है कह लो कि भैया कह लो कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है। तो हाफिज हलवा डॉट कॉम ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे facebook.com पेज है मुल्तानी सोहन हलवा। तीसरे नंबर पे मुल्तानी सोहन हलवा डॉट पीके पाकिस्तानी सो अच्छा यहाँ पर एक चीज काबले गौर है कि आपने ये देखना है कि आया कि हमारे जो कंपेटिटर हैं वीक पॉइंट्स
3 points हमने ढूंढ कि आया के कोई इनर पेज तो नहीं टॉप 10 रिजल्ट्स में, ठीक है। अच्छा कोई सोशल मीडिया साइट का लिंक तो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा कोई यूट्यूब या विमियो जो वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं उनका लिंक तो नहीं आ रहा, विकिपीडिया का लिंक तो नहीं आ रहा, ठीक है। अमेज़न का तो नहीं आ रहा या ईबे का तो नहीं आ रहा या दराज का तो नहीं आ रहा, इस तरह, ठीक है। अब मैं आपको ये मैंने ये बात क्यों की है, ये क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये देखो कि ये जो दूसरा कंपेटिटर है एक ये फेसबुक है, तीसरा कंपेटिटर चौथा कंपेटिटर है ये जो है इनर पाकिस्तानी पाकिस्तानी सोनमलवा। मुझे यहां से वीक पॉइंट नजर आए हैं, उसके बाद विकिपीडिया का लिंक भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी फिर विकिपीडिया का लिंक आ गया, फिर हमारी वेब का लिंक आ गया, हालांकि ना कोई लेना ना कोई देना, मगर क्या था कि बिजनेस लिस्टिंग थी इस वजह से शोर है। और मजे की बात है इसका लेवल है जी जीरो, मेरे हिसाब से कंपटीशन लेवल है जीरो। ये आपने जरूर देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हो उसका कंपटीशन लेवल क्या है। ठीक है जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी 150 प्रोडक्ट जिनमें से 50 आपने रैंक करवानी है, वो भी पाकिस्तान में आपने रैंक करवानी है, तो आपके लिए तो बहुत आसान काम हो जाएगा रैंकिंग करवाना। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि एक तो पाकिस्तान में जिन लोगों के पास स्किल है, फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे सीखा है, वो इंटरनेशनल साइट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो यूएसए यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया टॉप टायर कंट्रीज में रैंकिंग करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान में रैंकिंग करवा रहे हैं उनके लिए तो, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत आसान है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे रैंकिंग करवाना, क्योंकि जस्ट आपने ऑप्टिमाइज करना है और हमारी जो वेबसाइट है वो पहले पेज पे आ जाएगी, टॉप स्पॉट्स में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जो डोमेन्स होती हैं, डोमेन होती है उसकी टाइप्स होती हैं, ब्रांड डोमेन, ईएमडी डोमेन, पीएमडी डोमेन, ठीक है। तो ब्रांड डोमेन क्या होती है इसको समझना आपने, ब्रांड डोमेन होती है फॉर एग्जांपल मैंने करवा लिया जी फिडो बीडो डॉट कॉम, ठीक है। यानी कि ब्रांड डोमेन के लिए मैंने कोई भी ऐसा नाम, फॉर एग्जांपल जैसे ओएलएक्स एक ब्रांड डोमेन है, अच्छा ELE एक ब्रांड है, ठीक है। अच्छा इसी तरह Yahoo एक ब्रांड है, Google एक ब्रांड है, यानी कि ब्रांड नेम क्या होते हैं जिनको लोग याद रखते हैं, इतनी मार्केटिंग की जाती है कि जो एक नाम है वो ब्रांड बन जाता है, वो याद रहने वाला लफ्ज बन जाता है, याद रहने वाली डोमेन बन जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ब्रांड डोमेन गूगल रिकमेंडेड बाय गूगल, गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप ब्रांड डोमेन पे काम करो, ब्रांड डोमेन, ठीक है। अच्छा ईएमडी डोमेन कौन सी होती है, ईएमडी जैसे कि आपको पहली साइट दिखाई है मुल्तानी सोन हलवा है ना, अब इसमें जो पहली साइट फॉर एग्जांपल आ रही है हाफिज हलवा डॉट कॉम, आपको सर्च करवाएगा मुल्तानी हलवा, यही साइट आएगी।
कोई सर्च करवाएगा, फॉर एग्जांपल मैं मजीद मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, कोई सर्च करवाएगा हाफिज का सोहन हलवा, इसमें आप ये देखो हाफिज भी आ रहा है हलवा भी आ रहा है, तो ये ई एम डी डोमेन होती है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच इसलिए होती है कि वो जो मेन कीवर्ड है वो हमारी डोमेन में आ रहा होता है। SEO में ये चीज बड़ी मेन होती है और कंसीडर की जाती है कि डोमेन जितनी शॉर्ट हो, याद रहने वाला नाम हो, उतना बेस्ट होता है। PMD क्या होता है? PMD होता है पार्शियल मैच डोमेन, यानी कि हाफिज स्वीट्स डॉट कॉम। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक PMD आएगा जो यानी कि मेन हमारा कीवर्ड है हाफिज सोहन हलवा, उसमें से जस्ट हाफिज का वर्ड है, बाकी हमने कोई और नाम साथ अटैच कर दिया और वो डोमेन हमने बाय कर लिया, तो इसको बोलते हैं पार्शियल मैच डोमेन। के पूरा लफ्ज नहीं आ रहा, पार्शियल कुछ पार्ट हमारे डोमेन के नेम के अंदर आ रहे हैं। और हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, बाय डॉट कॉम इफ यू आर वर्किंग इन ए स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान, then by .pk और .com.pk। ये ज़हन में रखना है कि आप हमने हमेशा .com की डोमेन बाय करनी है, प्रेफरेबल है, ना .net ना .org कोई आपने बाय कभी नहीं करनी, किसी भी और एक्सटेंशन में .com लेनी है बस। ये नहीं देखना कि सस्ती मिल रही है, नई एक्सटेंशन है मैं ये खरीदूं, नहीं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को स्टोर दिए जाएगा कि आपने पाकिस्तान में रैंक करवाना है, आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है .com.pk या .pk डोमेन ले सकते हो, अदरवाइज .com एनफ है रैंक करवाने के लिए। .com जब आप रैंक जब .com पे काम आप करते हो तो वो आप फिर पाकिस्तान तो आपका फोकस होगा ही होगा, अदर कंट्रीज में भी आपको रैंकिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि .com ली जाए, अगर .com में अच्छा नाम आपको नहीं मिल रहा फिर उस कंट्री के हिसाब से। अब USA के लिए तो और कोई एक्सटेंशन में नहीं ले सकते ना, लाइक .USA में आप .us में आपने नहीं लेना, आपने .com बाय करना होती है जब USA में आपने काम करना है। जब आपने UK में काम करना है तो .co.uk या .uk चल जाती है, बट .com वहां पर भी अवेलेबल है। ये नहीं है कि आप हर हाल में उस कंट्री की एक्सटेंशन लो, ये जरूरी नहीं होता, बट एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि जब आपकी कंट्री एक स्पेसिफिक है तो फिर एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो SEO में होते ही प्लस पॉइंट्स हैं। जो जो बंदा अपनी साइट रेडी करेगा तो वो तीनों एक्सटेंशन में मुझे दिखाएगा, .com में भी दिखाएगा, .com.pk में भी दिखाएगा और .pk में भी दिखाएगा डोमेन, जब मैं सारा ये सेटअप समझा दूंगा। तो उसमें से जो फिर मैं आपको ओके करूंगा, आपने वो डोमेन खरीद लेनी है। ठीक हो,
उमर मैंने इसका जवाब दिया ना कि हो गया यूएस डॉट यूएस नहीं, डॉट यूएस तो सस्ती सस्ती डोमेन मिलती है, इसीलिए पेड कैंपेन्स वगैरह में चलाई जाती है, डॉट कॉम ही लेनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने रेंडमली एक प्रोडक्ट उठाई है और आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हमने इसको रेडी करना है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि हमने आपको जब होस्टिंग मिल जाएगी, आप अपने होस्टिंग में लॉगिन होना होगा, ठीक है, अपने होस्टिंग में सबसे पहले उस पर करना होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका पूरा एक लेक्चर होगा और उसमें मैं सारा आप लोगों को समझाऊंगा। अभी अभी के लिए जस्ट मेरा फोकस है कि ई कॉमर्स स्टोर आप लोगों ने कैसे बनाना है, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक अच्छा जो आप हमने यहाँ पर यूजर नेम यूज करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, एडमिन हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक्टिवेट कर दिया वो कॉमर्स को। मजीद इस सेटअप को आसान करने के लिए
ठीक है, हम इसको इस तरह सेटिंग कर लेंगे। ओके, ये हमने अपने जो वेबसाइट है उस पे हमने जो है वो ई कॉमर्स स्टोर इंस्टॉल कर दिया है। फिर हमने सेटिंग में आना है, परमालिंक में आना है, पोस्ट नेम, सेव चेंजेस। मेरे पास एक डोमेन थी, मैंने उस पर आप लोगों को एक डेमो के तौर पे करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने अपने स्टोर को रेडी करना है। अच्छा, उसके बाद ये हमने इसमें सेटिंग में आना है, रीडायरेक्ट टू द कार्ट आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। एक तो ये आपने एनेबल कर लेना है, ठीक है। और पेमेंट मेथड में अगर हम फॉर एग्जांपल लोकल जो है क्लाइंट्स है या लोकल हमारा हमारी टारगेट ऑडियंस लोकल है तो हम कैश ऑन डिलीवरी अनेबल करेंगे। अच्छा, अगर हम काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए देन हम पेपॉल और अदर पेमेंट मेथड भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेबल होगा फिर पेपॉल और उसके साथ फिर स्ट्राइप, ताकि हम लोग कार्ड वगैरह एक्सेप्ट कर सकें, वीज़ा मास्टर कार्ड इस तरह। अभी हम क्योंकि कर रहे हैं लोकल, यानी के यहीं के यूजर्स के लिए, यानी कि पाकिस्तान के यूजर्स के लिए, तो हम इसको कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर रहे हैं। मैनेज पे गए, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ये जो है इजी पैसा। जैस कैश इस तरह, ठीक है। ये हम इसको सेव कर देंगे, जब वो ऑर्डर कर देगा उसके बाद इसको ये ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ से वो इजी पैसा जैस कैश करना चाहे वो कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टोर का बैकएंड की सेटिंग। हम ये कुछ आप कह लो कि जैसे हमने भी स्टोर बनाया है तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो गया है।
ठीक है, ये हमारा स्टोर है। अब इसका जो इसके लिए जो थीम है और जो बाकी सेटिंग है वो मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में समझाऊंगा कैसे करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान करना है। हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो पेज है ना वो, ठीक है, जो प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग कर रहे होंगे बेसिकली, तो उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है यानी कि प्रोडक्ट का पेज है बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि इसी ने रैंक करके और हमें सेल लाकर देनी है, ये हमारे लिए मेन चीज़ है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।